आपके भी जोड़ों में दर्द रहता है या फिर उठने बैठने में दिक्कत होती है? ये जो जेल है ये मधुमक्खियों ने तैयार किया है एक तरह से, इसको बी प्रोपोलिस बोलते हैं, ये मधुमक्खियां तैयार करती हैं। घुटने का दर्द, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द या जकड़न है या कहीं गुम चोट लग गई है तो उनमें ये बहुत कारगर चीज है। उसकी मालिश करने के बाद जैसे बतख चलता है, बतख ऐसे चलता है, पैरों को जो है पूरा जमीन पर टेकना, जैसे बच्चा पेट के बल लेट के साइकिल चलाता है ऐसे आपको साइकिल चलानी है। आपके भी जोड़ों में दर्द रहता है या फिर उठने बैठने में दिक्कत होती है? ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग हैं, इवन अब तो युवा अवस्था में भी बहुत सारे लोगों को ये दिक्कतें होने लगी हैं। आप बाजार से बहुत सारे पेन रिलीफ के क्रीम और जेल लेकर आते हो, नेचुरल तरीके से कैसे उसको ठीक किया जा सकता है, आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे। हमारे साथ ये पेन रिलीफ जेल है, बहुत ही नेचुरल पद्धति से तैयार हुई ये जेल है, एक किसान भाई ने इसको तैयार किया है और खासियत इसकी ये है कि ये पूरी तरीके से नेचुरल है, मतलब आपको इसके साइड इफेक्ट्स भी नहीं झेलने होंगे। ये कैसे तैयार हुआ है और इसके क्या क्या फायदे हैं ये सब हम बताएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से ये लोगों के जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। विनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गांव जंक्शन में। पहले तो आप ये बताइए कि ये प्रोडक्ट है क्या, किस तरीके से आपने इसको तैयार किया है? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर आपके घर में, परिवार में या रिश्तेदारी में किसी बूढ़े बुजुर्ग को घुटने का दर्द है या जोड़ों का दर्द है तो ये वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है, क्योंकि ये जो जेल है ये मधुमक्खियों ने तैयार किया है एक तरह से। जो पेड़ पौधे होते हैं तो पेड़ पौधे की जब कोपल फूटती है तो उनसे एक रिसाव होता है, गोंद टाइप का रिसाव होता है, उसको मधुमक्खियां उठाकर लाती हैं और उसमें कुछ मात्रा में वैक्स मिलाती है, कुछ मात्रा में पोलन मिलाती है और कुछ एंजाइम मिलाती है, उससे ये गोंद टाइप का रिसाव होता है, इसको बी प्रोपोलिस बोलते हैं, ये मधुमक्खियां तैयार करती हैं। इस बी प्रोपोलिस से, और ये एक खास किस्म का छत्ता होता है मधुमक्खी का, इस छत्ते के जो है दोनों के मिश्रण से ये बी प्रोपोलिस जेल तैयार हुआ है, जो घुटने का दर्द, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द या जकड़न है या कहीं गुम चोट लग गई है तो उनमें ये बहुत कारगर चीज है। ये जो है एक सीसी करीब एक महीने चल जाती है जब इसकी मालिश करते हैं। तो इस तरीके से इसको लगाया जाता है, मतलब क्वांटिटी कैसी होती है और कैसे इसको मालिश किया जाता है या लगा के छोड़ देते हैं? देखिए सर, मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं इसमें दो तीन चीजों का ध्यान रखना होता है। जैसे आप इसको जब मान लीजिए घुटने पर इसको लगाना है तो घुटने को या तो पहले धो लीजिए या फिर गीले कपड़े से पोंछ लीजिए, और उसको पोंछने के बाद आप इसकी थोड़ी सी मात्रा लेके लगाएंगे घुटने पे तो बहुत ज़्यादा फैलता है। 15 मिनट इसकी मालिश करनी है, 15 मिनट इसकी मालिश करने के तुरंत बाद जैसे बच्चा पेट के बल लेट के साइकिल चलाता है ऐसे आपको साइकिल चलानी है, जिससे आपका जो लिगामेंट्स हैं वो अच्छे से बैंड होंगे और उनकी बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी। इसमें ये जेल जितना असर करेगा उतना ही असर वो एक्सरसाइज भी करेगी, दोनों का सम्मिलित रूप जब होगा तब आपको फायदा होगा। और दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है, जो डॉक्टर कहते हैं कि आपके घुटने की हड्डी बढ़ गई है, तो उस केस में मैं बताना चाहूँगा आपको रिप्लेसमेंट नहीं कराना है, बॉडी पार्ट्स ओरिजिनल होने चाहिए, हमारा जेल जो है उस हड्डी को ठीक कर देगा। आपको इसकी 15 मिनट मालिश करने के बाद ऐसे बैठना है जिससे कि ये जो घुटने की ये दोनों हड्डियां है ना, इनमें पूरा गैप आ जाएगा अपने आप, और ये जो है 15 दिन 20 दिन 25 दिन में ही जो है आधे से ज्यादा आराम आ जाएगा आपको, मात्र ऐसे बैठने से। इसकी मालिश करनी है और ऐसे बैठना है, जिनकी हड्डी बढ़ गई है ये उनके लिए बहुत कारगर चीज है। चाहे 50 से 60 साल की एज हो, चाहे 70 से 80 साल की एज हो, जिनके घुटने रिप्लेसमेंट के लिए बोल रखे हैं उनके लिए ये दवा बहुत काम की है। मालिश करके पेट के बल लेट जाना है और साइकिल चलानी है, उसके बाद आपको डक वॉक करनी है। उसकी मालिश करने के बाद जैसे बतख चलता है, बतख ऐसे चलता है,
पैरों को जो है पूरा जमीन पर टेकना है, पैरों को पूरा जमीन पर रखते हुए आपको ऐसे चलना है, ये 10 से 15 मिनट आपको चलना है। ये जो है ना घुटने की बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी, और इसकी मालिश करेंगे और ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपका घुटना पहले जैसा हो जाएगा। कोई और भी एक्सरसाइज, ये आपने दो एक्सरसाइज बताई, इसके अलावा भी कोई एक्सरसाइज है? बिल्कुल सर, एक एक्सरसाइज दर्शकों को मैं एक और बताना चाहूँगा। जैसे आपको नंगे पैर सुबह जब इसकी मालिश कर लेते हैं, मालिश करने के बाद आपको 10 से 15 मिनट तक जमीन पर 8 की आकृति बना लेनी है, और जमीन अगर उबड़ खाबड़ है तो और भी अच्छा है, कच्चा है तो भी बहुत अच्छा है, नहीं तो आप फर्श पर ही कर लीजिए, 8 की आकृति बनाइए और उस पर जैसे ही चलेंगे आप तो आपके लिगामेंट्स बहुत अच्छे से बैंड होंगे, और मात्र 7 से 8 दिन में ही आपको बहुत ज्यादा आराम आ जाएगा। युवा अवस्था में भी देखने को मिलता है कि लोग पलथी मार के जैसे बैठते हैं पूजा पाठ में, और इस तरीके से नेचुरल तरीके से बैठते हैं पलथी मार के, वो नहीं बैठ पाते हैं, उसके लिए भी क्या ये कारगर है? बिल्कुल कारगर है सर, इसको ट्राई करके देखें, ये नेचुरल भी है और बहुत ज्यादा काम करता है इन चीजों का। कैसे ये लोग खरीद सकते हैं, कोई संपर्क आपका हो या कैसे ये आप तक लोग पहुंच सकते हैं? सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, विनय फोगाट मेरा नाम है, और 9991777227 मेरा मोबाइल नंबर है, और मेरा जो पोर्टल है वो www.bhatfarms.com, इस पर आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं, मेरे से संपर्क भी कर सकते हैं, या फिर ईमेल आईडी है bhatfarms@gmail.com, आप वहां से भी संपर्क कर सकते हैं। इसको जिस दिन से आप लगाना शुरू करें उस दिन से आपको साबुन उस जगह पर नहीं लगाना है, साबुन इसका जो इफेक्ट पड़ता है बॉडी पे सारे को खींच लेता है वो। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी, आपने बेहतरीन तरीके से समझाया कि इस जेल का कैसे काम हो सकता है और कैसे लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट्स और स्टोरीज देखने के लिए गांव जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलें। गांव जंक्शन के लिए हिमांशु मिश्र।